एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी के पिपरा कोठी में सड़क पर अचानक हवाई जहाज को देख लोगों में मचा कौतूहल, देखते ही देखते जमा हुई भीड़, सूचना पर पहुंची पुलिस। एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। पूर्वी चंपारण जदयू के नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने पेट्रोल पंप लूटने के दौरान नोजल मैन को मारी गोली, 40 वर्षीय घायल नोजल मैन का चल रहा है इलाज। अतिथि शिक्षकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मोतिहारी डीओ कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। डीओ को मांग पत्र सौंपते हुए एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप। शराब पर नकेल कसने के लिए बेतिया पुलिस ने की कार्रवाई। 40 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक भी हुआ बरामद। नगर परिषद उपचुनाव में पार्षद पद के लिए 3 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नामांकन। निर्वाचित पार्षद की मौत के बाद खाली हुआ था पद। विद्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे वीडियो, प्रधानाध्यापक बनाने लगे बच्चों की हाजिरी, मुखिया से हुई नोकझोंक। एक बार फिर मोतिहारी पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए या चोरी कर लिए गए मोबाइल फोन एवं वाहनों को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। लोगों ने मोतिहारी पुलिस को कहा शुक्रिया। भारत नेपाल सीमा पर एक गैंगस्टर को किया गया गिरफ्तार। 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रक्सौल द्वारा की गई कार्रवाई। और अयोध्या से पूजित अक्षत ढाका पहुंचने के पश्चात निकाली गई कलश शोभा यात्रा। कलश शोभा यात्रा में मौजूद रहे भारी संख्या में श्रद्धालु। मोतिहारी के पिपरा कोठी में लोगों के बीच उस वक्त कौतूहल मच गया जब अचानक उन्हें सड़क पर एक हवाई जहाज नजर आया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सब हैरानी से उस मंजर को देखने लगे। दरअसल यह हवाई जहाज नहीं बल्कि उसका बॉडी था जिसे ट्रक पर लोड किया गया था, जो पिपरा कोठी स्थित ओवरब्रिज के नीचे आकर फंस गया था। लेकिन जहाज के बॉडी को देखकर लोगों में कौतूहल मच गया और चारों तरफ से लोग उसे घेर कर तमाशा देखने लगे। खबर के मुताबिक प्लेन की यह बॉडी लखनऊ से आसाम के लिए ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से लेकर जाया जा रहा था। इसी बीच NH-27 स्थित पिपरा कोठी ओवरब्रिज पार करने के दौरान हाइट ज्यादा होने के चलते यह फंस गई थी। हालांकि घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्लेन को वहां से निकालने की जुगत में लग गई। फिर ट्रक के टायरों से हवा निकालकर उसकी हाइट को कम किया गया, तब जाकर प्लेन का बॉडी वहां से निकल पाया। तमाम उठापटक भरी खबरों के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूसरी बार जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जैसे ही इस बात की जानकारी जेडीयू के स्थानीय कार्यकर्ताओं को मिली, खुशी की लहर दौड़ गई। खबर के आने के बाद मोतिहारी में जदयू कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। गौरतलब है कि दिल्ली में आयोजित जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया, जिसके बाद सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार दूसरी बार जदयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूर्वी चंपारण जदयू जिला अध्यक्ष मंजू देवी एवं पूर्व विधायक शिवजी राय, सहदेव पासवान, पूर्व विधान पार्षद सतीश कुमार, जदयू नेता वसील अहमद, अमरेंद्र सिंह आदि ने हर्ष जताया। ललन बाबू के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वैसे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के अहम पद पे वह निश्चित रूप से आएंगे और तब जाकर देश के अंदर समाजवाद का राज होगा और देश के अंदर
निश्चित रूप से सभी समाजवादियों का राज होगा। आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जनता दल यूनाइटेड के सभी साथियों ने जैसे ही ये जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, सभी कार्यकर्ता गांधी चौक पे आके फटाका बजाएं, अबीर लगाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दिए। और इस वक्त बहुत जरूरी था देश को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को बनना। मोतिहारी में बाइक सवार अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप लूटने के दौरान नोजल मैन को गोली मार दी, जिसके बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घायल नोजल मैन को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र के हरदिया की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम एक बाइक पर सवार होकर तीन अपराधी आए और पेट्रोल पंप पर लूटपाट करना शुरू कर दिए। इस दौरान पंप पर मौजूद एक 40 वर्षीय नोजल मैन ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे पीठ में गोली मार दी और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से शहर की तरफ फरार हो गए, जिसके बाद घायल रामदास को आनन फानन में इलाज के लिए शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। इधर पंप मालिक सुधीर कुमार उर्फ पिंटू ने बताया कि रामदास मेरे पंप पर नोजल मैन का काम करते हैं और वे हुसैनी के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हिसाब करने के बाद पता चलेगा कि आखिर कितने की लूट हुई है या नहीं। इस मामले में SDPO रंजन कुमार ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली कि अपराधियों द्वारा पंप पर लूट के दौरान नोजल मैन को गोली मार दी गई है, वैसे ही पुलिस टीम को अपराधियों के पीछे लगा दिया गया, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही CCTV फुटेज से अपराधियों की पहचान भी की जा रही है। शाम को हरदिया के पास जो पेट्रोल पंप है, वहाँ तीन अज्ञात अपराधी जो है उनके द्वारा लूट का प्रयास किया गया और लूट के प्रयास के क्रम में ही रामदास जो पेट्रोल कर्मी थे, पंप कर्मी थे, उनको गोली मारा गया है। पीठ पे गोली लगी हुई है। वर्तमान में वो इलाजरत है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। और इसमें हम लोग CCTV फुटेज है, काफ़ी क्लियर है। हम लोग जल्द से जल्द इसमें अरेस्टिंग कर लेंगे, उसके पहचान कर अपराधियों की पहचान हुई है। CCTV फुटेज है, उसे पहचान का प्रयास कर जल्द ही उद्भेदन हो जाएगा। लूट भी हुई है ना? लूट का प्रयास किया गया था। लूट की कोई मतलब CCTV पूरा घटनाक्रम जो है CCTV में है और वहाँ त्वरित रूप से पुलिस द्वारा आगे जो अनुसंधान है वो प्रारंभ करा दिया गया। जो आदमी आया है पैसा लूटने का प्रयास किया है, उसी में छीना झपट में नहीं दिया होगा उस समय। अभी क्या किया है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन नहीं दिया होगा तो पैसे के लिए गोली मारा है। अब क्या ले गया नहीं ले गया वो हिसाब किताब से पता चले। कहाँ पर गोली लगा है? गोली लगा है पीछे से मारा है, ये पीछे चेस्ट आके। क्या स्थिति है अभी? सीरियस? डॉक्टर के कथनानुसार हम तो अभी। कितने लोग थे? तीन आदमी लगता है थे। किधर दो तो अब आए किधर से नहीं है, लेकिन भागे हैं। ये घटना हुई है, हमारा पंप है, हमारा पंप हरदिया, वो मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में पड़ता है, जो रघुनाथपुर ओपी के अंदर में आता है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। अतिथि शिक्षकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मोतिहारी DEO कार्यालय के बाहर आज एक विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एक मांग पत्र भी DEO को सौंपा गया। मौके पर शिक्षकों ने आरोप लगाया कि MS कोसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उन सभी को अनुबंध पर अतिथि शिक्षक के रूप में 4 माह पहले बहाल किया गया। बहाली के बाद वे लोग निष्ठा से स्कूल में समय से पहुंचकर स्कूल का पठन पाठन का कार्य कर रहे थे, लेकिन अब तक एजेंसी की तरफ से उन लोगों को एक भी माह का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं कंपनी द्वारा शिक्षकों को किसी न किसी बहाने आरोप लगाकर हटाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे स्कूल में जाते हैं तो प्रधान शिक्षक कहते हैं कि मेरे यहाँ अब आपकी जगह नहीं है। इस मामले में जब वे DEO ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आपका मामला आपका एजेंसी जाने और प्रधान शिक्षक जाने। ऐसे में आखिर अब वे लोग कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। मौके पर अतिथि शिक्षकों ने एजेंसी पर आरोप लगाया कि जब उन लोगों को एजेंसी द्वारा लिया गया तो कागजात जांच के नाम पर 1,000 रुपये की वसूली की गई। जब न देने की बात कही गई तो कोई क्लॉज लगाकर निकाल देने की धमकी दिया गया, जिसके बाद वे लोग उन्हें पैसा दिए लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया। हालांकि इस मामले पर DEO संजय कुमार ने बताया है कि अतिथि का मतलब ही जब जरूरत होगी तब प्रधान शिक्षक बुलाएंगे, जब उन्हें जरूरत नहीं होगी तो उन्हें नहीं बुलाएंगे।
जहां तक बात रही भुगतान की तो उसका जिम्मेवार एजेंसी है। सर यहां पे जितने शिक्षक गण उपस्थित है ये सभी अपने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर उपस्थित हुए हैं। अभी चार महीना पहले हम लोगों की जो नियुक्ति हुई थी अलग अलग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं से लेकर बारहवीं तक के अलग अलग विषयों के लिए हम लोगों को चयनित किया गया था और जो एजेंसी ने हम लोगों को सेलेक्ट किया था वो एजेंसी जो है इन लोगों के द्वारा नामित किया गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। अब वो एजेंसी हम लोगों का मनमाना तरीके से कुछ एक्सप्लाइटेशन करने का प्रयास कर रहा है। इसी सब मांगों को लेकर के हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। अब हम देखते हैं कि ये कितनी जल्दी हम लोगों के समस्या का समाधान कर पाते हैं। डीओ सर के सामने और डीपीओ सर के सामने रखा तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर इस पे काम करेंगे और कंपनी से जो है स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, सो कॉज लेटर जारी किया जाएगा। मुद्दा ये है हमारा कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, हम लगातार चार महीने से काम कर रहे हैं लेकिन हमारा पेमेंट नहीं दिया जा रहा, उसमें भी कमीशन के नाम पे कुछ कटौती करने की बात की जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे धोखाधड़ी किया गया जिसमें कि 1000 रुपये की वसूली की गई है और बहुत सारे शिक्षकों को विरमित किया जा रहा है जिस पे संज्ञान लिया जाए। क्या आश्वासन दिया सर ने? आश्वासन दिया है कि इस पे कार्य किया जाएगा और कंपनी से हमारा टाई अप है तो हम जरूर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। बेतिया पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के तहत शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए मझोलिया पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में 40 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ दो शराब तस्करों को दो बाइक के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि चयनयान बांध पंचायत के खुटिया निवासी शांति यादव को बाइक पर लदे 20 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ पारस पकड़ी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मिर्जापुर निवासी संतोष महतो को 20 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ बाइक सहित धोकराहा से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के विरुद्ध बिहार मग्न निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पश्चिमी चंपारण स्थित नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 12 में होने वाले पार्षद पद के चुनाव को लेकर शुक्रवार को अमित कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले पूर्व पार्षद दीपक कुमार की पत्नी सोनी देवी व अख्तर अली ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस संदर्भ में निर्वाची पदाधिकारी सह SDM सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद के वार्ड संख्या 12 में पार्षद पद के लिए होने वाले उपचुनाव में नामांकन के अंतिम दिन अमित कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि अब तक उस वार्ड में नामांकन दाखिल करने वाले 3 प्रत्याशी हो गए हैं। बता दें कि नगर परिषद नरकटियागंज के वार्ड संख्या 12 के पार्षद दीपक कुमार ने विष पान कर लिया था जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद वार्ड 12 के पार्षद का पद खाली था जिसके कारण वार्ड में जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं हो पा रही थीं, जिसके लिए यह उपचुनाव कराया जा रहा है। मुद्दा यही रहेगा कि जो मेरे वार्ड में जितना अधूरा काम है उसको सबसे पहले पूरा करूंगा, उसके बाद जो भी मेरे वार्ड 12 की जनता है जो भी समस्या होगा उस पर खड़ा उतरूंगा। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले जो भी वार्ड में बोलने की है कि अधूरा जो भी काम है वो पहले पूरा करूंगा, जो भी जनता को समस्या होगा सबसे पहले जाकर सुनूंगा। आपके वार्ड में अभी प्रमुख समस्या क्या दिख रही है? प्रमुख समस्या बहुत गंदगी है, उसके पास नाला है, रोड है, सब कुछ बहुत सी ऐसा समस्या है जो एक बार जनता मौका देगी तो सबसे पहले सब समस्या का दूर होगा। नरकटियागंज प्रखंड के पुरैनिया हरसरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय हरसरी 2 में शुक्रवार को BDO सतीश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। हालांकि जिस समय BDO औचक निरीक्षण कर रहे थे उसी समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक BDO के सामने ही बच्चों की हाजिरी बनाने लगे। हद तो तब हो गई जब BDO ने हाजिरी बनाने से प्रधानाध्यापक को मना किया और वे नहीं माने, जिसको देखते हुए पुरैनिया हरसरी पंचायत के मुखिया को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुखिया ने जैसे ही प्रधानाध्यापक को हाजिरी बनाने से रोका तो प्रधानाध्यापक आपे से बाहर हो गए। और BDO के सामने ही मुखिया को धमकी दे डाली। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया।
अंत में वीडियो ने दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर वे विद्यालय के लिए बन रहे भवन का निरीक्षण करने आए थे। इस बारे में मुखिया अजीत दुबे ने बताया कि वीडियो के सामने ही मुझे धमकी दी गई है, इसके लिए वे वरीय पदाधिकारियों से शिकायत करेंगे। वहीं प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि बिना सूचना के स्कूल में जांच करने आ गए मुखिया का व्यवहार हमेशा से मेरे प्रति अच्छा नहीं रहता है। वहीं वीडियो ने बताया कि हाजिरी रजिस्टर 28 और 29 तारीख को नहीं बना था, जिसकी जांच की गई है। जांच में जो भी सामने आया है वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक और मुखिया के बीच हल्की नोकझोंक हो गई है, दोनों को शांत करा दिया गया। जो भी है कंप्लेन करेंगे वरीय पदाधिकारी को देंगे, जो भी हम लोग जांच में मिला है। मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरसरी 2 का है, इसमें अनियमितता के अनुसार सब पूरा कार्य हो रहा है और जंगल झाड़ी में विद्यालय को संचालित किया जाता है। जब मेरे द्वारा इस चीज़ को वीडियो साहब के पास समक्ष रखा गया तो आज वीडियो साहब जब जांच में आए तो 28-29 का जो अटेंडेंस होता है वो आज अभी तक नहीं बना हुआ था और जो भी है वहाँ सही ढंग से नहीं था। जब हमने रजिस्टर जांच के लिए मांगा तो टीचर हेडमास्टर द्वारा धनंजय मिश्रा द्वारा अभद्रता मेरे साथ किया गया, वीडियो जिला प्रखंड पदाधिकारी के सामने ही। इससे कोई प्रखंड पदाधिकारी का कोई रवैया अच्छा नहीं हमारे प्रति दिखा, वो शिक्षक का ही बार बार पक्ष ले रहे थे। कितने शिक्षक उपस्थित है, कितने विद्यालय में कार्यरत है? इस विद्यालय में 4 शिक्षक थे और एक ही शिक्षक है, 4 एब्सेंट है। मोतिहारी पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार खोए हुए या चोरी कर लिए गए मोबाइल एवं वाहनों को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा जा रहा है। इस कड़ी में आज मोतिहारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 71 मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया, जिसकी कीमत लगभग 15,28,000 रुपये बताई गई है। वहीं इस दौरान पुलिस ने 21 मोटरसाइकिल एवं एक पिकअप को भी बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। खोए हुए और चोरी गए मोबाइल के अलावा जो वाहन चोरी हुए हैं उस संबंध में पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आज कुल 71 मोबाइल, जिन सभी की कुल कीमत लगभग 15,28,000 और 21 मोटरसाइकिल एक पिकअप को बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक सदर सिराज सर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ी दयाल सुबोध कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार एवं टोटल टीम के द्वारा 71 मोबाइल, 21 मोटरसाइकिल और एक पिकअप उनके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द किया गया। अब तक मोतिहारी पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 8 चरण में 678 फोन को मोबाइल के मालिकों को सुपुर्द किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,40,68,000 रुपये है और मोतिहारी पुलिस इस मुहिम को आगे भी जारी रखेगी। जिनका भी मोबाइल वगैरह अगर गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, उसकी शिकायत व्हाट्सएप पे और स्थानीय थाने पे जरूर कर दें। हम लोग प्रयास करेंगे उसको जल्द से जल्द बरामद करके उसके वास्तविक स्वामित्व के सुपुर्द करने। 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रक्सौल द्वारा भारत नेपाल सीमा स्थित मैत्री पुल के पास एक गैंगस्टर को तब गिरफ्तार कर लिया जब वह नेपाल भागने का प्रयास कर रहा था। गिरफ्तार अपराधी ग्राम शाहनगर थाना कदवा जिला कटिहार का रहने वाला है। उसके पास से कुछ फर्जी पहचान पत्र मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर मनोज शर्मा मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया कार्यालय 47वीं वाहिनी SSB रक्सौल ने अपनी गुप्त सूचना पर इस अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कल 47 बटालियन SSB रक्सौल ने एक शातिर अपराधी और गैंगस्टर को हमने यहाँ पर मैत्री पुल पर धर दबोचा है। इसकी स्पेशल सूचना हमारे इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा को इसकी प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमने एक टीम गठित करी और उस टीम इसके पीछे लगी हुई थी। फिर जब इसने कल शाम को करीब 6 बजे जब मैत्री पुल से भागने के लिए नेपाल में भागने का प्रयास किया तो इसको हमारे दोनों स्पेशल टीम ने इसको वहाँ पर धर दबोचा। इससे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में मालूम पड़ा है कि ये पहले हवाला कांड में नेपाल और भारत की जेलों में कैद रह चुका है। इसके अलावा इसके खिलाफ में 11 जघन्य अपराधों में भी शामिल है, जिसमें आर्म्स एक्ट,
लाउड स्पीकर यूज एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें भी ये शामिल है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी 2014 को राम मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होना सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर अयोध्या से आए पूजित कलश अक्षत पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित हनुमान मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ढाका हनुमान मंदिर के प्रांगण से एक कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने कलश शोभा यात्रा के दौरान गाजे बाजे के साथ हनुमान मंदिर के प्रांगण से पैदल चलकर गांधी चौक, आजाद चौक, बिसरहिया चौक सहित ढाका नगर परिषद के कई अन्य जगहों का भ्रमण किया। घर घर तक समर्पण निधि लेने आए थे। आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने गांव के मठ मंदिर को ही उस दिन अयोध्या मानकर जो है एक दीप उत्सव दीपावली मनाएं। और प्रत्येक हिंदुओं से मैं आह्वान करूंगा कि प्रत्येक घर से एक दीपक अपने मंदिर पर लेकर आए और उस दिन जो है सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें, कीर्तन करें, भजन करें, क्योंकि समर्पण निधि आप लोगों ने दिया। आज प्रभु का मंदिर बन के तैयार है, तो मैं निमंत्रण देने के लिए आ रहा हूं आप लोगों के बीच। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत आया है सबके घर निमंत्रण लेकर। आप लोग इस उत्सव को 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं, हर घर में पूजा पाठ करके मंदिरों में भी पूजा पाठ एक दीप जलाएं। आज राम मंदिर निर्माण जो हुआ है उसमें सभी भारतवर्ष के सभी प्रत्येक परिवारों का सहयोग प्राप्त है। उस सहयोग से भव्यतापूर्ण जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो मंदिर निर्माण समिति ने भी यह निर्णय लिया है कि हम यह मंदिर को देखने के लिए आमंत्रण के रूप में अक्षत और प्रपत्र प्रत्येक घर में भेजेंगे। उस निमित्त आज ढाका में एक शोभा यात्रा के रूप में यह अक्षत का वितरण के लिए प्रत्येक पंचायत से जो आए थे संयोजक उनके बीच वितरण कार्यक्रम हुआ है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो कलश आया है ढाका प्रखंड के प्रत्येक 23 पंचायतों में कलश जाएगा और पंचायतों से हर घर अक्षत पहुंचेगा, वह निमंत्रण होगा। प्रत्येक हिंदू परिवार से अयोध्या दर्शन के लिए वह निमंत्रण हुआ जो अक्षत दिया जाएगा और भव्य दिवाली होगी, ऐसा ही यह कार्यक्रम है जिसके निमित्त यह शोभा यात्रा का कार्यक्रम आज ढाका प्रखंड में किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टीवी न्यूज के साथ।